हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गणेश कुमार। गणेश टिप चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और आपको इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब कुछ मैं आपको एक एक बाई आई मीन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर दोस्त कोई भी अगर क्वारी आता है, अगर कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी है और मैं इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से भी हमें फॉलो करके आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। करते क्या है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो ओपन कर चुका हूँ और आपको यहाँ पे जो ईपीएस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, ईपीएस वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी है। बैलेंस इंक्वायरी पे वाले पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे आ चुका है व्यू ऑल बैंक। ठीक है, अगर आपको इसमें इसमें से किसी बैंक में अगर आपका आता है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें नहीं आता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च बैंक लिखा हुआ है, सर्च बैंक में यहाँ पे हम जाते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च बैंक में दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर चुके हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना है। सही सही जो आधार नंबर आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्कैन टू चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देते हैं और मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट मंगाना चाहते हो अपने मोबाइल पे तो वो भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डायल कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कैन टू चेक बैलेंस इस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस जो कनेक्ट होगा यहाँ पे उस पर रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे बैंक बैलेंस जो भी होगा यहाँ पे हमें शो कर देगा। हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं तो बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बैंक का सर्वर एरर भी हो सकता है या फिर जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का भी सर्वर डाउन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी इसमें बैंक बैलेंस था यहाँ पे देख अजंकित जो 102 रुपये है यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वारी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। या आपको एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना होगा कहाँ से डाउनलोड करना होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर पर सिंपल से आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है स्पाइस मनी। ठीक है, स्पाइस मनी आने के बाद आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर होगा नहीं। अगर आप इसका आईडी लेना चाहते हैं बहुत ही सस्ते में तो जैसे मैं बता दूं, मेरा जो आईडी मिला हुआ था 100 रुपये में मिला हुआ था। मैं आपको सस्ते में ही आईडी आपको दिलवा दूंगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ करना है कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको आईडी चाहिए। उसके बाद मैं आपको कहाँ से लेना है मैं उसका नंबर भी आपको दे दूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।